बिहार में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं और बीपीएससी शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैंने वो प्रश्न छाट कर लाया है आप लोगों के लिए जो बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह है और निहारिका है। ये आपके बीपीएससी प्रीलिम्स 2011 का प्रश्न है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी निहारिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं और ध्यान दीजिएगा, इसमें सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल में सूर्य एक तारा है और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े होते हैं रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल है, जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगले प्रश्न में है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, न्यूटन, डाल्टन, कॉपरनिकस, आइंस्टीन। तो इसका हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉपरनिकस। ठीक है, कॉपरनिकस। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंट्री में कॉपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारतीय खगोलविद 12 मिहिर ने इसे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अगला प्रश्न है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89 और 90। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 88। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। ये आपका बीपीएससी प्रीलिम्स 2000 का ये प्रश्न है और ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि तारा, मृग तारा, वृश्चिक और वृष। तो ये आपके बीपीएससी प्रीलिम्स 1996 का प्रश्न है। इसमें ध्रुव तारा को संकेत सप्तऋषि मंडल से प्राप्त होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सप्तऋषि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है उसको क्या कहते हैं, मंगल, बुध, नेपच्यून या प्लूटो। याद रखिएगा, बीपीएससी प्रीलिम्स 97-98 का प्रश्न है और बीपीएससी प्रीलिम्स 2000 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो हमारा आंसर जो होगा वो हमारा आंसर किसके साथ में जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, बुध के साथ में जाएगा। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसके बारे में, सौरमंडल में केवल दो ग्रह हैं, बुध और शुक्र हैं, इनका कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के दो हैं, नेपच्यून के 14 उपग्रह हैं, जिनमें ट्रिटोन एवं मेरिड प्रमुख हैं। वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन से प्राग सम्मेलन में प्लूटो को भी ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो ये सभी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा, बुध है, शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी है। यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर जाएगा शुक्र के साथ में। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका माध्य तापमान लगभग 464 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए भैया अगले कोई प्रश्न पे बात करते हैं और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये, इवनिंग स्टार ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल को कहते हैं, बृहस्पति को, शुक्र को कहते हैं या शनि को कहते हैं? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा शुक्र। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें तो इसमें ध्यान दीजिएगा, शुक्र ग्रह को सुबह का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार और सायम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। वहीं जबकि शनि की बात कर लें तो ये वलयों से युक्त एक ग्रह है। तो इतनी सभी जानकारियों को आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, अगले प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण से होता है? सौर प्रणाली, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का आंतरिक भाग, क्लोरो
कोलोराडो और खाड़ी धारा, ठीक है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा भैया वो हमारा क्या हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप सभी लोग। देखो, धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अक्षीय गति से उत्पन्न विक्षेपक बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस बल की खोज जीजी कोरियोलिसिस द्वारा किए जाने के कारण इसका नाम कोरिओलिस बल पड़ा। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में से प्रभावी कोरिओलिस बल का कारण पृथ्वी का घूर्णन है। समझ गए? चलिए, तो इन सभी जानकारी को आप लोग समझते रहिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम होता है? पृथ्वी का, मंगल का, शुक्र का और शनि का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शनि, ठीक है। तो चलिए, और एक चीज हम समझिएगा, यह हाल ही का बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है, बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 का प्रश्न है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे ध्यान दीजिएगा इसके बारे में, किसका कितना घनत्व तो है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी की बात कर लें तो 5514 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब जो है इसका घनत्व है, मंगल का इतना है और शुक्र का इतना है, शनि का इतना है। तो इस सभी जानकारी को आप लोग, इस डाटा को याद रखिएगा, यहाँ पर शनि इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए भैया, अगला प्रश्न देख लीजिएगा, और अगले प्रश्न में कह रहा है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो इतना देखिए, ऑप्शन कह रहा है कि 18.5 वर्ष, 36 वर्ष, 29.5 वर्ष या 84 वर्ष। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 29.5 वर्ष, ठीक है। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.4 पृथ्वी वर्षों के बराबर समय लेता है, अतः निकटतम विकल्प हमारा सी है, जो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए भैया, आगे ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आगे अगले प्रश्न पर आइएगा। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? 84 वर्ष का, 36 वर्ष का, 18 वर्ष का और 48 वर्ष का। तो याद रखिएगा, यूरेनस बोले तो अरुण ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में 83.7 पृथ्वी वर्षों का समय लेता है, जबकि अपने अक्ष पर 17.2 घंटों में एक चक्कर पूरा करता है। इसके उपग्रह की संख्या कितनी है? 27 है। समझ गए? चलिए भैया, अगले प्रश्न पर, ये सभी जानकारी आप लोग ध्यान देते रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो इंटरनेशनल डेट लाइन खींची गई है वो कहाँ से कहाँ है? अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर, अटलांटिक महासागर से होकर। ये बीपीएससी आपका 2000 का प्रश्न है, और इसमें जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर से होकर के अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। और इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से विस्तृत आप लोग समझ लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर एक ऐसी प्रतिबिंब रेखा होती है जो दो क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। और याद रखिएगा कि जहां कोई स्थल भाग पड़ता है इसे मोड़ दिया जाता है। समझ गए? चलिए, तो ये सभी जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में और उत्तरी अमेरिका में। तो याद रखिएगा, इस ये हाल ही का प्रश्न है, आपका बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का प्रश्न है, 66 नंबर का जो बीपीएससी एग्जाम लिया था। इसका जो आंसर होगा भैया वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप सबसे अधिक देश है, याद रखिएगा। अब इसमें अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो किस प्रत्येक महाद्वीपों में जो संख्या है, चलिए उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका में कुल कितने? 54 देश हैं। यूरोप में 51, एशिया महाद्वीप में 50, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 23 और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आपके 12 देश हैं। तो टोटल ये संख्या है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? तो फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, मालदीव है और क्यूबा है। तो ये भी आपका हाल ही फिलहाल का प्रश्न है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो इंडोनेशिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा, दिए गए देशों में द्वीपों की जो संख्या है, तो इंडोनेशिया में 175,008,
सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा 17,508 द्वीपों की संख्या है। वहीं फिलीपींस में बात कर लें तो 7,641 है और मालदीव में 1,192 है। क्यूबा में 4,195 महाद्वीपों की संख्या है। तो इन सभी को याद रखिएगा। आगे बात कर लें तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है कहाँ पर? गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांडसी कियोंग द्वारा या हांगहो द्वारा? तो याद रखिएगा हमारा आंसर हो जाएगा विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है जो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित है। अब इसके विषय में थोड़ा विस्तृत जानकारी हम लोग शेयर करते हैं एक दूसरे से। ध्यान दीजिएगा, गंगा जो है डेल्टा विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा है। यह बांग्लादेश एवं भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी यानी कि जो हिंद महासागर में स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए भैया आगे देख लेते हैं। बिल्कुल, इसमें जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा आपका जो गंगा डेल्टा है इसके द्वारा ये बृहत्तम विश्व का बृहत्तम डेल्टा है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिएगा। सभी लोग लाइक करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।